हेलो दोस्तों, आपका फिर से वेलकम है माय यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा में हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे। तो एग्जांपल में हम लोग क्या देखेंगे, पहला एग्जांपल हम लोग का होगा नेरिस, जिसको नेरिस। और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग क्या लिखेंगे, फेरिटीमा पोस्थीमा। ये फेरिटीमा पोस्थीमा जो हो गया वह हम लोग का क्या हो गया, तो यह जो हम लोग का हो गया इसको हम लोग क्या कहेंगे, जूलॉजिकल नेम ऑफ अर्थवर्म। क्या कहेंगे, जूलॉजिकल नेम ऑफ अर्थवर्म। फेरिटीमा पोस्थीमा जो हो गया हम लोग का वह क्या हो गया, जूलॉजिकल नेम हो गया किसका, अर्थवर्म का। अगला हम लोग क्या देखेंगे, तो तीसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे हीरो निडियम। ये हीरो निडियम जो हो गया हम लोग का यह क्या हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ब्लड सकिंग लीच कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्लड सकिंग लीच कहेंगे। यह ब्लड सकिंग लीच जो होता है वह हम लोग का फलेरिया बीमारी का ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा काम आता है। जिन व्यक्ति को फलेरिया बीमारी होती है उन लोगों को यह ब्लड लीच जो होता है यह सबसे महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट होता है उन लोगों के लिए। अगला हम लोग क्या देखेंगे, तो इसका कुछ पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग फिगर देखेंगे। अब बने रहिए मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल में। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे एनिलिडा। क्या लिखेंगे, एनिलिडा इज एक्वेटिक, दैट मींस एक्वेटिक, दैट मींस मेरिन वाटर, मेरिन मेरिन एंड फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर। अगला पॉइंट हम लोग क्या कहेंगे, तो इसमें एनिलिडा में हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट अर्थवर्म के बारे में हम लोग कहेंगे। तो क्या कहेंगे, अर्थवर्म आर फाउंड इन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर हम आगे अगला पॉइंट लिखेंगे, अब आगे हम लोग देखेंगे इसका सिमेट्री को देखेंगे, बॉडी कैविटी को देखेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, तो अगला पॉइंट हम लोग यहां लिखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग क्या कहेंगे, अर्थवर्म में ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर फाउंड इन एनी लीडा। क्या लिखेंगे, ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम बॉडी, ऑर्गेन सिस्टम बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन एनी लीडा। अगला हम लोग क्या लिखेंगे, तो अगला लिखेंगे हम लोग सिमेट्री। तो हम लोग क्या कहेंगे कि अगला हम लोग जो सिमेट्री लिखेंगे वह एनी लीडा के केस में जो सिमेट्री होता है वह क्या होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, बायलैटरल सिमेट्री होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन देखेंगे, तो हम लोग क्या कहेंगे कि रिप्रोडक्शन जो होता है एनी लीडा में, एनिलिडा के केस में वह कैसा होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जहां भी हम आप लोग को अर्थवर्म के बारे में बताएंगे, तो आइए अगला हम लोग लिखते हैं सिमेट्री। सिमेट्री हम लोग क्या लिखेंगे, तो बाय लेटरल, बाय लेटरल सिमेट्री,
अगला हम लोग क्या देखेंगे, तो अगला डिस्कस करेंगे जो कैविटी होता है, बॉडी कैविटी होता है किसका, अर्थवर्म का या फिर एनिली जाके केस में जितने भी एग्जांपल होते हैं उन लोग का बॉडी कैविटी हम लोग देखेंगे, सीरम को देखेंगे, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इनका जो बॉडी कैविटी होगा वह क्या होगा हम लोग का, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, बॉडी कैविटी और सीलोम। तो ये दोनों के केस में जो होता है, एनिलिडा के केस में जो होता है, इसका बॉडी कैविटी जो होगा वह कैसा होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, ट्रिप्लो ब्लास्टिक और क्या होगा, सिलोमेट, सिलोमेट। अगला देखते हैं हम लोग, अगला पॉइंट जिसमें हम लोग लिखेंगे रिप्रोडक्शन कैसा होगा, तो रिप्रोडक्शन हम लोग जो लिखेंगे फाउंड इन एनिलिडा में कैसा होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फाउंड इन अर्थवर्म, जितने भी एनिलिडा के एग्जांपल होते हैं उन सारे में सारे क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। अगला पॉइंट अभी हम लोग क्या लिखेंगे, तो अर्थवर्म के बारे में चलेंगे, तो अर्थवर्म में हम लोग क्या कहेंगे, अर्थवर्म जो होता है हम लोग का वह क्या होता है, तो बाइसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल जिसको हम लोग मोनोइसियस कहते हैं, हर्मोफ्रोडाइट कहते हैं। तो आइए हम लोग आगे अगला पॉइंट इसमें लिखते हैं, तो अगला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, यानी लीजा के केस में जो होता है फर्टिलाइजेशन, हम लोग क्या देखेंगे अगला पॉइंट, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन किस प्रकार होता है एनिलिडा में, हम लोग कैसे क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन अकर्स इन एनिलिडा आर क्रॉस, क्या लिखेंगे, फर्टिलाइजेशन इन एनिलिडा आर क्रॉस। तो शॉर्ट फॉर्म में यहां लिखते हैं कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन आर फाउंड इन एनिलिडा, और इसी जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ओविपेरस, क्या कहेंगे, ओविपेरस। यहाँ आगे हम आपको तीन चीज बताएंगे, एक होता है ओविपेरस, एक होता है विविपेरस और दूसरा होता है ओवो विविपेरस। तो ओविपेरस जो हम लोग लिखेंगे, तो ओविपेरस हम लोग किसको कहते हैं, अगला हम लोग लिखेंगे ओवो विविपेरस, तो ओवो विविपेरस जो हो गया हम लोग का, और एक हम लोग का क्या होता है, विविपेरस, विविपेरस। ये तीनों चीज हम अगला वीडियो में आपको बताएंगे, जब अगला डिस्कस करेंगे हम लोग तो वहां हम आपको बताएंगे कि ओविपेरस किसको कहते हैं, ओवो विविपेरस किसको कहते हैं और विविपेरस किसको कहते हैं। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल में। आगे हम लोग क्या करेंगे, तो अर्थवर्म का डायग्राम को बनाएंगे। या बॉडी जो हो गया हम लोग का, इस पूरे बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे अर्थवर्म कहेंगे। और इस भाग को जो ये दो भाग में अभी हम बांट रहे हैं इसको, यहाँ यह जो हम लोग को दिख रहा है बिंदु बिंदु टाइप का दिख रहा है, इस पार्ट्स को हम लोग क्या कहेंगे, तो इस पार्ट्स को हम लोग कहेंगे क्लाइटेलम, क्लाइटेलम कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे इसको, क्लाइटेलम कहेंगे। और इस भाग को हम लोग क्या कहेंगे, इस भाग को हम लोग यहां से यहां तक हम लोग इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे पोस्टेरियर, पोस्टेरियर जिसमें पोस्टेरियर में क्या होता है, तो येनस होता है। और यह जो हम लोग का पार्ट्स हो गया, यहां से यहां तक की जो पार्ट्स हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इंटीरियर कहेंगे। और इस इंटीरियर पार्ट्स में क्या होता है हम लोग का, तो माउथ होता है। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, और
ये जो हम लोग का हो गया वह हम लोग का क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। तो ये क्लाइमेक्स जो हम लोग का हो गया, ये इस पूरे भाग को हम लोग क्या कहेंगे, इस डायग्राम का जो पूरा भाग हम लोग का होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, अर्थ वर्म। क्या कहेंगे? अर्थ वर्म कहेंगे। अर्थ वर्म जो होता है वह एग्जांपल होता है किसका, तो एनी लीजा का। किसका होता है? एनी लीजा का। अगर पूछा जाए कि एनी लीजा का जो होता है उसका जूलॉजिकल नेम क्या होता है, तभी कुछ देर पहले मैं आपको बताया कि इसका जूलॉजिकल नेम को हम लोग क्या कहते हैं, तो हेरी टीमा पोस्थीमा। क्या कहते हैं? फेरी टीमा पोस्थीमा। बहुत ज्यादा एग्जाम्पल जो है पूछा जाता है, मेडिकल एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्थवर्म का जो होता है वह जूलॉजिकल नेम को हम लोग क्या कहेंगे, तो फेरी टीमा पोस्थीमा। जब पूरा बायोलॉजी को अगर डिटेल से पढ़ा जाए, अर्थवर्म के बारे में पढ़ा जाए, तो हर एक जगह आपको क्या मिलेगा, अर्थवर्म के जगह क्या मिलेगा हम लोग को देखने के लिए, तो फेरी टीमा पोस्थीमा, यानी अर्थवर्म के बारे में डिस्कस किया जाता है जिसका जूलॉजिकल नेम होता है फेरी टीमा पोस्थीमा। तो इस चीज को हम लोगों को याद रखना है। और ये अर्थवर्म जो हम लोग का होता है वह क्या होता है, तो बाइसेक्सुअल होता है। और बाइसेक्सुअल कहने का मतलब हो गया हम लोग का इसी के पास हम लोग का क्या होता है, तो मेल गेमेट इसी के पास होता है और फीमेल गेमेट इसी के पास होता है। जब यह फर्टिलाइज करता है तो हम अभी क्या बताए कि इसके पास जो होता है, अगर दोनों सेक्स इसके पास होता है, मेल गेमेट फीमेल गेमेट सेम होता है इसके पास, हम लोग कहेंगे कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेगा। लेकिन ऐसा नहीं करके या क्या करता है, तो क्रॉस फर्टिलाइज करता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन करने का मतलब हुआ कि जो मेल गेमेट है या फीमेल गेमेट, अगर बाय द वे मेल गेमेट पहले मैच्योर कर जाता है और फीमेल गेमेट जो होता है वह क्या करती है, तो बाद में मैच्योर करती है, तो मेल गेमेट जो फर्टिलाइज के लिए आवश्यकता पड़ता है वह दूसरे अर्थवर्म का फीमेल गेमेट से ज्यादा करके फर्टिलाइज करता है, जबकि उस समय क्या होता है, इसका फीमेल गेमेट मैच्योर नहीं होता है। इसीलिए इसमें क्या होता है, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा होता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस तरह से हम लोग आज एनलीजा को यहाँ समाप्त किए। एनलीजा के बारे में और कुछ हम आपको डिटेल्स बताएंगे। बने रहिए मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल में। थैंक यू।